यार बहुत अच्छा मोमेंट मिला था मुझे कैप्चर करने के लिए, बट मेरे हाथ में चाय थी इसलिए मेरा मोमेंट वो निकल गया, कैप्चर नहीं हुआ। एक कहानी हो रही है अभी फिलहाल, मैं घर से निकला था, चाय ली, चाय पीने लगा, चाय पी के बस निकल ही रहा था। पजेरो ये इसकी कहानी, और इसके आगे एक गाड़ी जा रही है लेक्सस, इसकी कहानी, क्योंकि एक मिक्स कहानी हो रही थी रोड पे काफ़ी देर से। मैं वही देख रहा था, चाय ले लेके एंजॉय कर रहा था। भाई साहब मज़ा आ गया, लेक्सस वाले ने बहुत सही शक्ल दिखा दी पजेरो वाले को। ऐसे तो बहुत स्टाइल मार रहा था, एक टफे गुजरी थी, एक सेंटफे गुजरी थी, तो बहुत हाई बना कर रहा था। सेंटफे वाले ने उसको पास मारा कि पास चाहिए, उसने पास दिया नहीं, और मतलब जिधर से राइट से लेफ्ट से सेंटफे वाला ओवरटेक करना चाह रहा था, ये उसके आगे आगे घुसने लगा कि नहीं जाने दे रहे। ठीक है, खैर कैसे भगा के ये करके वो करके चला तो गया, समझे, आगे उसके पीछे जस्ट मैं था और मेरे बाद मेरे पीछे लेक्सस वाला था। तो मैंने कहा यार सिचुएशन ऐसी हो रही, ओवरटेक तो मैं करूँगा नहीं। तो मेरे पीछे आया लेक्सस वाला, उसने मुझसे पास मांगा, तो मैंने कहा भाई तुम जाओ, ठीक है, और वो गया आगे। और गलती से एक बार बस जो है पजेरो वाले ने सेम चीज़ कर दी लेक्सस वाले के साथ, जैसे इसने पास मांगा और राइट में जैसे ही वो ओवरटेक करना चाह रहा था, इस पजेरो वाले ने भी राइट पे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, समझे। जैसे ही राइट में आगे गाड़ी बढ़ा दी, उसने कहा अच्छा तुम्हें खेलना है मेरे साथ, ठीक है। लेक्सस वाला लेफ्ट में आया, मतलब राइट में आया, उसने जो है बराबर लगाई, किसी तरीके से ओवरटेक करी, ठीक है, राइट साइड से भी ओवरटेक करी, ओवरटेक करके मतलब थर्ड लेन से मेरे ख्याल से ओवरटेक करी, ओवरटेक करके पजेरो के सामने आ रहा है, वो स्पीड चल रही है हम लोगों की 120 में स्पीड में सामने आया और लाके ब्रेक मारी, हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, 120 की स्पीड में उसने ब्रेक मारी और ब्रेक करते करते 120 की गाड़ी को रोकते रोकते 80 हो गई, 80 तक लेके आया पजेरो वाला भी बिल्कुल, उसने टाइट ब्रेक मारे, पजेरो वाले टाइट हो गए, जर्र वाले मतलब टायर रुक गए, इतना स्ट्रेट उसने ब्रेक मारा, वो ब्रेक मारते ही फिर लेक्सस वाले ने भगा लिया। अब लेक्सस वाले ने पजेरो के सामने बिल्कुल परमानेंट गाड़ी लगा के रखी है, मतलब बिल्कुल परमानेंट, दाहिने हो रहा था दाहिने, बाएं हो रहा था बाएं, उसको जगह ही नहीं दे रहा, इधर से उधर उसको चाह रहा कि मतलब हम ब्रेक मारें, क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से अगर तुमने पीछे से ठोक दिया है तो गलती तो तुम्हारी है, डजंट मैटर कि कोई इतनी स्पीड में चल रहा हो, लेकिन पजेरो वाले ने अगर जो है लेक्सस को टच कर दिया तो लेक्सस का इंश्योरेंस इतना है, इंश्योरेंस कंपनी है वो कम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम कॉस्ट मारेगी 40,000 रियाल लेक्सस में, समझे, अगर उसने पजेरो ने गलती से उसको टच कर दिया, और उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होगा, अगर उसकी गलती हो या नहीं भी हो तब भी लेक्सस तो बनी जाएगी, लेकिन पजेरो वाले को उसने भाई, दोनों सऊदी थे कंफर्म कि हिम्मत नहीं है। अगर तुम देख पा रहे हो तो देखो जो आगे जा रही है ग्रे कलर की, वो है लेक्सस टोयोटा के साथ में फर्स्ट ट्रैक पे तो चल रही है, यही लगते थे, इसी की कहानी चल रही थी पीछे पजेरो वाले के साथ, जो अभी मैं पजेरो जिसको ओवरटेक करके मैं आ गया हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड ऑलमोस्ट हो रही है 140-142। भाई साहब बड़ा मतलब चाय की चुस्कियाँ लेते लेते मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, मज़ेदार स्टोरी चल रही थी, मैं थोड़ा पीछे पीछे बना हुआ था, मैंने कहा देख लूँ, और मैं चाय पकड़े हुआ था, मैं कवर ज़रूर करता यार। देखो डैश कैम सोच रहा हूँ, सोना भी पीछे पड़ा हुआ है कि डैश कैम लगा लो, अगर तुम्हें इतनी वो कार कूलिंग करनी है तो डैश कैम लगा लो ज़्यादा अच्छा जाएगा, लेकिन डैश कैम से सारा फ़ायदा तो ये है कि फ्रंट कवर हो जाएगा बिना देखे हुए, लेकिन उसमें मैं नहीं दिखूँगा, खाली कार की फ़ोटोज़ आ जाएंगी और बैक कैमरा लग जाएगा, बैक की फ़ोटोज़ आ जाएंगी। एनी हाउ मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए, होपफुली विद इन 1-2 वीक में। शक्ल मेरी ज़्यादा सोती हुई लग रही है रात में यार, करीब 12-1 बजे खुली, मतलब 12-1 बजे मैं सोया हूँ, और सुबह फिर वही 5 बजे मजदूरी के लिए, तुम्हें तो पता है मजदूरी, कल 5 बजे मैं निकला, कल मेरा इरादा था कि एक वीडियो शूट करने का, फिर एक दोस्त का कॉल आया, उसने कहा कि मैं दम्माम आया हूँ मुझे पिक करने आ जाओ, मैं दम्माम गया पिक करने,
पाँच बजे निकल के दम्माम पिक करने उसको पहुंचा, मतलब दम्माम में तो था ही मैं, बट स्टिल उसके एरिया में पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के ट्रैफिक को देखते देखते लग गया ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। इसीलिए मुझे दम्माम से नफरत है, बिल्कुल नफरत नफरत। एक यू टर्न लेने चले जाओ साला, 15-20-25 मिनट का यू टर्न लगता है, और धीरे 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 क्रॉलिंग करते रहो क्रॉलिंग करते रहो, मतलब अरे यार चींटी की तरह रेंगते रहो दम्माम। अरे जुबेल में कम से कम ये है कि एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने में भाई इधर आ जाओ ठीक है 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, बहुत ज़्यादा रश है तो 12 मिनट, अरे एक्सेप्टेबल नंबर से। और दम्माम में वहाँ आना है या अंदर से वाली रोड से बहुत ट्रैफिक है, ये वाली रोड से बहुत ट्रैफिक है, ऐसा है वैसा है, माँ भैया कितना करेंगे, इतना थोड़ी ना होता है ये। अब भाई लोगों को रहना भी तो है, अब चाहे तुम चाहे जितनी अच्छी जगह रह रहे हो जितना अच्छा कर रहे हो, बट एट दी एंड आपको चलना तो रोड पे ही है ना, यू कैन नॉट अवॉइड रोड, चलना तो आपको रोड पे ही पड़ेगा। अब वहाँ रोड पे चलने के लिए ही इतना ट्रैफिक है, अल्लाह लगा के रखें। ये बस देखा, इसको कहते हैं पोर्टेबल कैमराज, जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ पोर्ट कर दो पोर्टेबल कैमरा। आजकल यहाँ भी देखो पेट्रोल का बहुत ट्रेंड चल गया है यूएई के बाद, आई थिंक यहाँ भी लोग बहुत पेट्रोल ज़्यादा प्रेफर, उधर वगैरह सब पीछे हो गई है, सेल्स इसकी बहुत हाई हो रही है पेट्रोल, निसान पेट्रोल। पेट्रोल में एक वर्जन आया है पेट्रोल का, हाईएस्ट वर्जन आई थिंक निस्मो निसान पेट्रोल का, ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम के ऊपर एक मॉडल आया है निस्मो निसान पेट्रोल, निस्मो बहुत प्रेफरेंस दे रहा है, ब्लैक शेड में है, खतरनाक गाड़ी है, ब्लैक शेड में बहुत खतरनाक गाड़ी है। निसान तो वैसे भी जैपनीज है और क्या ही पूछना निसान के, उसकी गाड़ी एक्सटेरा पैथफाइंडर, और हाईएस्ट तो यही है निसान पेट्रोल, उससे पहले एक्सट्रेल सबसे छोटी गाड़ी उसमें आती है, निसान किक्स आई थिंक ऑन रोड यहाँ पे लेने जाओगे विद टैक्सेस समथिंग तो 90-95,000 में तुम्हें सेकेंड मॉडल मिल जाएगा, थर्ड मॉडल 115 का होगा, हाँ 115 में टॉप मॉडल मिल जाएगा, 115,000 समथिंग रियल, 115,000 में 15,000 सऊदी रियाल में तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन निसान मैक्सिमा, एक निसान मैक्सिमा है और एक निसान अल्टिमा है, निसान मैक्सिमा है 3 लीटर इंजन के साथ, यस हाँ निसान मैक्सिमा है 2.7 लीटर के साथ, निसान अल्टिमा है आई थिंक 2 लीटर या 1.8 लीटर के साथ, दोनों सेडान है। बट उसमें अगर एसयूवी में जाओगे तो एक्स ट्रेल है सबसे पहले, किक आती है, किक तो एक छोटी सी मतलब वो है, उसके बाद फिर किक, उसके बाद एक्स ट्रेल के बाद एक्सटेरा के बाद आती है पैथफाइंडर भाई साहब 2,80,000 के आसपास है का टॉप मॉडल पैथफाइंडर का, फुल फीचर के साथ 2,80,000 में, हाँ। और पैथफाइंडर में 3.7 लीटर का इंजन है, 3.7 लीटर मतलब 3700 सीसी, 3700 सीसी पैथफाइंडर। लेकिन भाई साहब लुक भी इतना खतरनाक दिया है, वो जैसे बोला स्टाइल नहीं आया आजकल, एक वो इंडिया में जो गाड़ी चल रही है यार सिकंदर, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी थी, हुंडई क्रेटा में कुछ लोगों ने देखा होगा बैक साइड पे एक ब्लैक और रेड कलर से लिखा हुआ है ना क्रेटा, जो शाइन करता है, जो मतलब आई थिंक लाइटनिंग भी होता है वो, एलईडी में लोग लिखवाते हैं या लिखा आता है आई डोंट नो, बट क्रेटा एक बड़ा सा लिखा हुआ है ना, वैसे ही लिखा हुआ है उसमें पैथफाइंडर के टॉप मॉडल में, ओरिजिनल में पैथफाइंडर रेड कलर से शेड होता है, बड़ा जा रही है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मौसम बड़ा अच्छा, जू 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 जू
आज की चाय की चुस्कियों के साथ मॉर्निंग में आंखें खुल गई मेरी यार, मुझे पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है शुक्र सो रही है अभी भी। ठीक है, चूँकि होता है। खैर अपनी सुनाओ, क्या हाल चाल, क्या बना? कल तो कल का पता नहीं यार, लेकिन परसों थर्सडे को 22nd February है और उस दिन है फाउंडेशन डे, और फाउंडेशन डे के दिन है मेरी छुट्टी। मजदूर संघ यूनियन से ऐलान हो चुका है, ठीक है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में भी देख लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने भी ट्वीट कर दिया है कि 22 तारीख को सारे मजदूरों की छुट्टी रहेगी, जिनको जिनको काम करना है वो ओवर टाइम पे काम करेंगे, ओवर टाइम मिलेगा 1.5 डेढ़ गुना मिलेगा, मतलब एक दिन का आपका जो पे होता है 8 घंटे, मतलब एक सैलरी हो गई, सैलरी डिवाइडेड इंटू 220 आवर्स ऑलमोस्ट, मतलब आपकी एक महीने के वर्किंग आवर्स होते हैं, 48 आवर्स पर वीक होता है सबका, 48 आवर्स पर वीक, और उसके बाद आपका आवरली वेजेस निकल आएगा, आवरली वेजेस इंटू 1.5 कर दिए, 1 times 5, ठीक है, मतलब आवरली वेजेस टाइम्स 1.5 इक्वल टू जो भी निकल के आएगा वो आपका ओवर टाइम वेजेस बनेगा जाके सऊदी अरेबिया में, ये यहाँ का लॉ है। आपको अगर आपसे कोई ओवर टाइम किसी कोई भी कंपनी कराती है तो आपको उसका आपके वेजेस को 1.5 टाइम्स ज़्यादा देना पड़ेगा उसको आपके नॉर्मल रूटीन से, ये यहाँ का रूल है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियाँ ये भी करती हैं, मतलब जो अच्छी कंपनी है, कि अगर आपसे वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग डेज में अगर ओवर टाइम कराती हैं तो 1.5 टाइम्स उसका ज़्यादा देती हैं आपको, और अगर आपको फ्राइडे बुलाती हैं तो फ्राइडे में वो सीधे डबल हो जाता है, तो आपका जो भी वेजेस होता है उसका डबल आपको मिलता है। ये 1.5 टाइम जो है वो रूल है, एज पर रूल, बट कुछ अच्छी कंपनियां वो आपको फ्राइडे के लिए डबल पे करती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली फ्राइडे के लिए, सैटरडे में नहीं अप्लाई होता है और नॉर्मल वीक डेज में अप्लाई नहीं होता है। क्या हाल पब्लिक यार, काफ़ी लेट से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, रीज़न ये है कि मजदूरी से निकलने के बाद कसम से कुछ दिल नहीं कर रहा था करने का, सीरियसली इतना ज़्यादा थकान लग रही थी आज, तो मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था मैं नौकरी पे, मतलब जॉब करते करते सीरियसली आए, मतलब ऐसा लग रहा था अभी मैं इस्तीफा लिखूं, रेजिग्नेशन टाइप करके प्रिंट आउट लेके साइन करके मुंह पे फाड़ के दे देता हूँ। अबे साला, मतलब वही मजदूरों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है भाई, तुम लोग ये बात लिख लो, जितने लोग आना चाह रहे हो नहीं आना चाह रहे हो सब लोग बिल्कुल बात लिख लो, मजदूरों की कोई इज्जत नहीं होती है। आज तारीख है 18, 19, 20 तारीख है, ठीक है, मंथली रिपोर्ट मंथ स्टार्ट होती है, ठीक है, जनवरी के एंड रिपोर्ट जनवरी में स्टार्ट हुई, मतलब जनवरी में ख़त्म हो गई फरवरी के फर्स्ट वीक तक मान लो। अब जो अगर तुमसे इस टाइम पे कहा जाए कि यार चलो एक रिपोर्ट तुम बना दो अभी, अब टोटल कुल सेल्स कितनी हुई है सारे डिपार्टमेंट की, 5 डिवीजन है उनकी टोटल एक रिपोर्ट बना के जनरेट करके दे दो, तो साला बताओ हम क्या करेंगे, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस में इन्फॉर्म करेंगे, शॉर्ट नोटिस में बता के आपको ये करना है कि आपको रेडी करके देना है, 2 घंटे बाद पूछ रहे हैं आपसे या हो गया वो बना ली तुमने, खेल है हलवा है ऐसे ही करवा लो बस 2 घंटे में रेडी कर लो साला भाई। मतलब मीटिंग में बुलाया, मीटिंग में बोले पहले कि जो 9 बजे मीटिंग है उस डिवीजन की, ठीक है 9 बजे पहुंच गया मीटिंग में। अब मीटिंग में पहुंचने के बाद उनका तो एक सब्जेक्ट था, उसके लिए लैपटॉप कनेक्ट कर रहे थे, तो उसमें प्रेजेंटर मॉनिटर जो भी था LED स्क्रीन थी उस पर कनेक्ट कर रहे थे, तब तक कहने लगे अच्छा उसमें टाइम लग रहा है तुम कनेक्ट कर दो, मैंने कहा मैं क्या करूँगा कनेक्ट करके, कहने के यू डोंट वॉन्ट टू शो एनीथिंग, हमने कहा मैं क्या शो करूँ, नो यू डोंट हैव एनालिटिक्स सेल्स एंड स्केल्स एंड टोटल एनालिटिक्स ऑफ दिस डिवीजन, मैंने कहा पहली बात तो मैं ये डिवीजन कवर ही नहीं कर रहा था अभी तक, एक महीना था मुझे GM ने बताया था 4 डिवीजन कवर करने के लिए, तुम एक 6ठा डिवीजन 5वां डिवीजन एक नया लेके आ जा रहे हो, उसके बाद तुम हमसे कह रहे हो कि जय तुमने कवर नहीं किया लास्ट मंथ, हमने कहा लास्ट मंथ कहाँ कवर किया, घंटा नहीं कवर किया, अब तुम इस टाइम भी बता रहे हो कवर करके बना के दे दो, नो यस्टरडे वी हैव स्पोकन, MD कह रहा है GM गया हुआ है तुर्की, वो गया छुट्टी, अब MD का दिल कर रहा है कि वो GM बन जाए थोड़े दिन तक के लिए, जब तक GM नहीं है,
अबे ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कह रहे कि जाए वो नहीं यार करना है वो रिपोर्ट रेडी कर लो। बंदा है नो नो बिलाल, वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे दैट वी हैव टू एनालाइज ऑल 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 द सेल्स, ऑल द सेल्स ऑफ कंप्लीट ऑल डिविजंस, वी हैव टू डू इट। मैंने कहा हाँ आई हैव टू डू इट, मैं कर लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं एक रिपोर्ट रेडी करने के लिए 2 से 3 दिन लेता हूँ, अब तुम 2 घंटे में कहो रेडी करके दे दो। तो मैंने कहा 2 घंटे में मैम तुम्हें वैसे ही रिपोर्ट दिखाएंगे, बस जो खाली तुम्हारे देखने में काम आ जाए, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगे देखने में कि वाह 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 क्या रिपोर्ट है, वाह 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 बस। हमने कहा जीएम तो है नहीं, तुमको नंबर तो पता नहीं चल पाएंगे कि हमने नंबर में क्या गेम किया है, नंबर कितने एक्यूरेट हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। हमने 2 रिपोर्टें छाप दी आज ही, हमने कहा ये लो 2 पक्की रिपोर्टें, एक ये पावर डिवीजन की, एक ऑयल एंड गैस डिवीजन की। हमने कहा ये दोनों रिपोर्टें बिल्कुल बेहतरीन, एक नंबर लल्लन टॉप। अब जाओ मिलाओ जाके नंबर उसके, जब तक महीना पूरा हो जाएगा, जब महीना पूरा हो जाएगा वहाँ पर खुद ही रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। ऐ साल है हमसे खेल रहे हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा, नो नो जस्ट टुमारो यू विल फिनिश अराउंड 4 o'clock, देन आई विल गिव यू न्यू टास्क। साला वो क्या है वो राजपाल यादव कहता नहीं है, शीशी से निकला हुआ जिन हुआ, एक के बाद एक टास्क देते जा रहे हो, वो वाला आलम कर दिया था लोने भाई। मतलब मैं अंदर से बिल्कुल झुलस गया था, मेरा खून जो है उबल के जैसे भाप बन रहा था ना, वो भाप बन रहा था जैसे इस, उसने कहा ना नो नो अराउंड 4 o'clock टुडे यू विल फिनिश ऑल द रिकॉर्ड्स एंड देन आई विल गिव यू अनदर टास्क। हमने कहा अरे इसकी माँ का अनदर टास्क, वो भी मुझे दे रहे हैं अनदर टास्क, एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं आता है ये, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। हमने कहा ऐसा है निकल लो, 4 के बाद हम ऑफिस में बैठे ही नहीं। हमने कहा दहीने बाएं इसके ऑफिस, उसके ऑफिस, इसके साथ गप्पे मारी, उसके साथ गप्पे मारी, जैसे ही देखा 4:45 हो रहा है, 4:50 हो रहा है, गए लैपटॉप ऑफ किया, पैक किया फौरन। हमने कहा निकल लो जल्दी से, सबसे पहले हम ही ऑफिस से आउट हुए। हमने कहा भाई निकलो तेजी से, साला ऐसा थोड़ी ना होता कि जय आई विल गिव यू अनदर टास्क। अबे भाई कोई तरीका होता, सलीका होता, MD हो तो कुछ भी करोगे, ऐसा है रखना हो रखो, नहीं रखना हो तो भी रखो, मजबूरी है, 1 साल तो झेलना ही पड़ेगा अब तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट किया है, नहीं अगर झेलना है तो 1 साल की जितनी सैलरी है वो दे दो हमें और हम अपने रास्ते हो, तुम तो अपने रास्ते पे हो ही, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के आए हैं तुम्हें, छोटी मोटी छपरे जैसी नौकरी कर रहे हैं, जाके रीज़न क्या है, सैलरी, पैसे, पैसे दे रहे हो ना सही से, पैसे दो बस, काम करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है। जितना काम मेरी रिपोर्टिंग जो है GM को है, GM देख लेगा जितना काम कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं, वो GM की जिम्मेदारी है। साला GM भी चूतिया चला गया मुझे बिना बताए हुए, कहाँ गया, छुट्टी चला गया, छुट्टी मतलब काम के चलते में गया लेकिन तुर्की चला गया बिजनेस बढ़ाने, पता नहीं कौन सा तुर्की में लाल लगे हुए हैं, ऐसे तुर्कियों से बहुत नफरत है उसको, कहता नहीं तुर्की अच्छे नहीं होते हैं, अरबों के खिलाफ होते हैं, सीरियंस के खिलाफ होते हैं, इनके खिलाफ होते हैं, खुद सारा चला गया तुर्की। मैं बताता हम भी चलते थे, देखो हम भी बैठे हुए थे यहीं, हम भी जाके कुछ बिजनेस डीले करते, लेकिन अकेले भाग क्या हो, हट। इसीलिए आज मेरा मूड भी नहीं हो रहा कुछ और करने का, चुपचाप घर जाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और सो जाएंगे। तुम लोग बस याद रखो लाइक वाइक करना या नहीं करना, जैसे ही बताया था पहले है ना, आई डोंट केयर, लेकिन सब्सक्राइब बटन को पुश करके दबा के छोड़ देना, बस बता रहे हैं सब्सक्राइबर मेरे रेस हो जाने चाहिए as soon as possible।